भाई बाघ, वो तो बाघ सा लग रहा भाई, कुछ खा रहा हो वहां पे ना। दोस्तों जैसे कि आपको मालूम होगा कि आज YouTube जैसे बड़े प्लेटफॉर्म में हर कोई अपना डेली व्लॉग बना रहा है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको उस ठेठ पहाड़ी व्लॉगर के बारे में बताऊंगा जो हर रोज की तरह कैमरा लेकर निकल पड़ा था एक नया व्लॉग बनाने के लिए, जिनका नाम बिपिन गोसाई है, जो टिहरी जिले के घनसाली के रहने वाले हैं। असल में दोस्तों यह व्लॉगर पहाड़ की असली जिंदगी क्या होती है, कैसे यहाँ की लाइफस्टाइल होती है, अपने इस व्लॉग के माध्यम से दुनिया को दिखा रहा था। फिर क्या था, यह व्लॉगर घर से बकरी चराने के लिए खेतों से होते हुए जंगल की तरफ जा रहा था, तभी अचानक उसका सामना गुलदार से हुआ। आगे क्या हुआ आइए आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। भाई बाघ, वो तो बाघ सा लग रहा भाई, कुछ खा रहा हो वहाँ पे ना। ओ भाई जूम जूम भाई, कहाँ पे यारो, कहाँ पे, हाँ 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 दिखाई दिया भाई, दिखाई दिया। मनोज तू बकरों को इकट्ठा कर, तू बकरों को इकट्ठा कर, मैंने भाकर कट कर, मैंने खूना आज भाकर यार, हो जा बगो तू फटाफट। बैंग कर सामने देख, सामने कुछ खा रहा हो वहाँ पे यार, भाई बहुत दूर है बस यहाँ से भाई, कहीं उसने बकरी तो नहीं देख ली थी भाई, पक्का आएगा, पक्का आएगा भाई, सामने देख रहा हो गाइस, भाई भाई यार सामने देखो गाइस यार, कितना खूंखार लग रहा भाई। अबे तू बकरी इकट्ठी कर, तू घर को भगा, घर को, अब ये सामने कसम से उसने देख लिया मनोज, वे इकट्ठा कर बकरी को जल्दी, वे वे जल्दी जल्दी भाग, घर भाग, घर भाग, अब भाग सीधा ही आ गया, अबे साला कैमरा बंद कर दे जल्दी, वे तो बकरी तू, अबे यार मनोज बकरियों को भगा, तुम भागा, ये आ गया, ए ला ओके, हला मत, हला मत कर ना, भागा तू तेज भागा, आई होप ले 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 ले, अबे जल्दी जल्दी चल भाई, गाइस यार बहुत बुरा हाल है, चल बहुत दूर आ गए, पहले बकरियों को गिन भाई, देख ले यहाँ पे सफ़ेद तो एक ही दिखाई दे रहा भाई, तू एक काम कर, तू बकरियों को ले जा, मारा बकरा ना वहीं छूट गया, मुझे तो डर लग रहा भाई, एक छोटी सी बकरी वहीं छूट गई, मुझे जल्दी जाना पड़ेगा भाई, लत खराब है तो पकड़ ली मैंने भाई, जब मैं बहुत दूर आया ना वहाँ से, तब मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, इसको गोदी फिर उठा लिया मैंने सीधे भाई, जल्दी जाना होगा मुझे यहाँ से, बहुत भारी हो रहा भाई, कुछ नहीं होगा यार तुझे, कुछ नहीं होगा, मेरे साथ दे तू, मुझे वीडियो बंद करनी होगी भाई, पहले इसको जगह पे पहुंचाना होगा, अब मेरी हालत होगी खराब, जा सो अब पहुंच गए हम घर, घर वाली लोकेशन पर, बकरी बकरी तो सब आ गई घर, मनोज को मैंने पहले ही आगे भगा लिया था कि तू इनको लेके घर चल, वो छोटा बच्चा वहीं छूट गया था, इसको लेके मैं आता हूँ, हालत खराब कसम से यार, आजकल ना बकरियों का बहुत, आजकल ना बाघ का बहुत आतंक मचा रखा भाई, दो तीन कुत्ते और एक बकरी और चार पांच बकरी और गाय, फर आज इस महीने ना उस इस महीने ना बाघ ने बहुत सारे अटैक किए भाई। फाइनली गाइस हम घर पर पहुंच चुके हैं, आज तुझे पता हमें क्या मिला बात जंगल में, तुझे अभी वीडियो दिखाते हैं, अभी वीडियो देख कर पता चल जाएगा तुझे कसम से। मनोज से मैंने कहा, मनोज पता तुम्हें बाघ रखा है भगवा, छोड़ो कुत्ते की छुट्टी किसे, तब मैं क्षण कल्याण जे कसम से, क्यों खेल था आज बाघ करता था। तो गाइस आजकल ना बाघ ने ना, बाघ ने ना ऊपर वाला कुत्ता सुगर कर, बकरी बच गई और तू बच गया ये तो आज हाँ, परसों मतलब कि ऊपर जतिन औरों का कुत्ता बाघ ने पकड़ लिया था, लेकिन उसके अचानक से पता नहीं कैसे छूटा वो भी बच गया था, परसों की बात है वो। आजकल बाघ ने गांव में एक गाय तो कुत्ते तो पता नहीं कितने, इस गांव के पूरे कुत्ते साफ कर लिए भाई, और चार पांच बकरी, एक बकरी तो बाघ ने सीधे दरवाजे तोड़ के साफ की, जंगल में तो तब नॉर्मल बात है भाई कि जंगल में बाघ बकरियों को पकड़ रहा, हालत हो गई खराब। तो देखा दोस्तों आपने कि कैसे विपिन गोसाई ने इस खूंखार गुलदार को अपने कैमरे में कैद कर लिया, जैसे जैसे गुलदार इनकी तरफ आने को हुआ
तो किस तरह से न सिर्फ खुद को बल्कि बकरियों की सफलता पूर्वक जान बचाई और गांव तक ले गया। आपकी इस पर क्या राय है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।